क्या आप ये पियेंगे? थैंक यू। और आप मेरे साथ आएंगे मिलकर स्विमिंग करके एंजॉय करेंगे? वो सब मुझे पसंद नहीं। इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है, समुद्र में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैं पहले जाता हूँ, उसके बाद आप दोनों पीछे आओ। वहाँ तक बहुत अच्छा स्विमिंग कर लेता है वो। क्यों, तुम भी वहाँ जाना चाहती हो क्या? ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। आओ तुम भी आओ। आओ तुम भी पीछे आओ। ये तुम पहुंच जाओगी? बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, चले मैं आता हूँ। कहूँगा तुमको, नजर नहीं आ रही, तुम आगे मत आओ। अरे कहाँ हो बताओ। अरे जरा देखो वहां कुछ हुआ है। शर्लिन, शर्लिन कहाँ हो तुम? कैबलिन, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। वहाँ क्या हुआ? क्यों? पता नहीं, कोई आवाजें आ रही है। क्या कहा, आवाजें आ रही हैं? मैं जरा देख के आता हूँ।
हाय डॉक्टर थॉमस, रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ। ये मैसेज देखते ही आप तुरंत रिप्लाई कीजिए, आपको रिसर्च सेंटर 30 मिनट में पहुँचना है। आई एम सॉरी, अगर 15 मिनट में हो जाए तो और भी अच्छा होगा। हेलो, आप ही है ना न्यू इंटर्न? आपका नाम मैगी पीटरसन है। हाँ, वैसे आप ही डॉक्टर नेल्सन हैं। हाँ, मैं ही हूँ। आइए अंदर चलते हैं। ओके। आइए। वही है डॉक्टर लियोनार्ड, हम सब के वही हेड है, यही आपको सिखाएंगे। ओ, ऐसा क्या? एनीवे, वेलकम टू रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर देखने का सपना पूरा हुआ। वैसे हम कहाँ से शुरू करें, पीएच टेस्टिंग लेवल से या स्पेसिमेन एक्विजिशन से, बताइए। मैं आपकी जिज्ञासा से बहुत खुश हूँ, पर उसके लिए टाइम है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। पहले हम इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सच कहूँ तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। वैसे ये कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा नहीं होता है, हम सब मिलके काम करते हैं। स्पेसिफिक गार्बेज पैच रिसर्च करने के लिए अगर मुझे मौका मिल रहा है तो उसे मैं खोना नहीं चाहती। इस रिसर्च सेंटर में पैसिफोन करने के लिए कुछ पता कर सकते हैं क्या? सी ज्वेल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, सब कुछ पता कर सकते हैं के बारे में भी? ठीक है, पहले पेपर वर्क खत्म कर लेते हैं, आगे आप बहुत ही आश्चर्यजनक चीज देखने वाले हैं। चलिए आपको मैं लगेज रूम दिखाता हूँ, वहाँ से फिर इंडक्शन। परफेक्ट, मुझे सब कुछ पसंद आया। मिसेस थॉमस, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। मैगी, मतलब आप ही है ना? प्रोफेसर थॉमस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके, हम लोग इंडक्शन में जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? ओह डेफिनेटली। आपको एक बात बताएं, यहाँ कितने स्टूडेंट्स आए हैं आज? आओ आओ जल्दी आओ, सब लोगों को अंदर जाना है। एक्चुअली क्योंकि आज इतने स्टूडेंट्स आए हैं, आज हम भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। आओ चलते हैं। हे डूड, ये लगेज लेकर जल्दी आ जाओ। हाय फ्रेंड्स। हेलो। हेलो, वेलकम। तुम सबको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे पोटेंशियल कोलिग्स के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। मैं प्रोफेसर लारा थॉमस, और ये डॉक्टर नेल्सन है, और ये हमारे नए इंटर्न ग्रेग। हे, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। मैगी, अपने फ्रेंड्स को मुझे इंट्रोड्यूस कराओ। बिल्कुल, ये ग्रेग हैं और वो। हम सब लोग एक ही कॉलेज में थे और आजकल रिसर्च में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हमें मिले हुए 3 साल हो गए ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। चलो अब हम सब लोग काम पे चलते हैं, आओ मेरे साथ चलते हैं। आओ। ओके गाइस, हम समुद्र के अंदर 100 मील अंदर हैं। ये अंडर वाटर सेक्शन यहाँ सबके लिए बहुत खास होता है। यहाँ पे 45 हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स मौजूद हैं। ये सब लोग पूरी दुनिया से प्रसिद्ध मैराइन बायोलॉजी इंडस्ट्री एंड प्रोग्राम इंटर्नशिप से सिलेक्ट होके आए हैं। ये सब लोग स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वाटर डॉक्स में साथ मिलके काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 3 सबमरीन्स जीव जंतुओं पर नजर रखने के लिए अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं। हम लोग लोकल मैराइन प्रयोगशाला में इस वक्त हैं। इस वक्त सब लोग यहाँ पर हैं, इसलिए खुशी हो रही है। ये पूरी दुनिया में नंबर 1 रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को गार्बेज पैच आइलैंड में बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है। आसपास जो छोटे आइलैंड्स हैं, उनको हम वाटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ही सिर्फ ओशियनिक प्लांट एवं एवियन के बारे में प्रयोग होते रहते हैं। पोल्यूशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। तुम लोग यहाँ पे जो स्टडी करोगे उनके बारे में प्रयोग करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। तुम लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, इसे हमें बहुत खुशी मिल रही है। आप जैसे यंगस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देके एनकरेज करने में हमें अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, साइंस और एक्टिविज्म इंसान की 2 आँखों की तरह होते हैं, ऐसा ही इन दोनों में संबंध है। अब हम ये सेशन पूरा करते हैं और काम पे लग जाते हैं।
डॉक्टर नेल्सन, आप इन लोगों का ख्याल रखिए और मैं कंट्रोल रूम जाती हूँ। बाय। चलें क्या सर? ओके मैगी, अब क्रेग और उनके फ्रेंड्स को मैं टॉप फ्लोर में लेके जाता हूँ। समुद्र में जो जीव जंतु है उसका रिसर्च वही होता है। ओके ठीक है, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी। गाइस, ये मेरी क्लासमेट मैगी। मैगी ये ग्रेन है। हाय। ये एलिसन। हाय। और यही मार्क है। हाय। ओके। अब तुम बहुत मोटे लग रहे हो। अच्छा। हे, ये जगह बहुत अजीब है। मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा सोचा भी ना था, वो भी ऐसी जगह में। वाकई बहुत सरप्राइज हो रहा है। तुम जरूर ऐसे रिसर्च सेंटर में ज्वाइन करोगी, मुझे पता था। कैसे? जब स्कूल में थी तभी तुम कहती थी कि मैं साइंटिस्ट बनूंगी, इस भूमि को पोल्यूशन से बचाना ऐसे कहती रहती थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम तो ठीक से पढ़ते भी नहीं थे उन दिनों और बाहर जाकर घूमते रहते थे। वैसे मैं नहीं हूँ आजकल। एक बात कहूँ, सब एक जैसे नहीं होते हमेशा, लोग बदलते रहते हैं। हो सकता है, लेकिन सबकी अपनी मेंटालिटी होती है। मेरी मेंटालिटी आज तक कुछ नहीं बदली है। मैगी, ट्रैक, तुम मेरे साथ आओ प्लीज। एबिटेड थ्रेट में सराउंडिंग की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होती है, उससे समुद्र के जीव जंतुओं को बहुत परेशानी होती है। कुछ जीव जंतुओं के बारे में अभी पता नहीं लग रहा है, कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनको हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। हर 4 या 5 स्पेसिमेन में प्रयोग चलता ही रहता है, हम लोग उस पर अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसकी पूरी फैसिलिटीज यहां पर नहीं है, लेकिन हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं। यही स्पेसिमेन रूम है, इनका नाम वेज है, यही काम करते हैं। इस परीक्षण केंद्र में गार्बेज के चारों ओर घूमने वाले जंतु और उनके गतिविधियों पर ध्यान आकर्षण करना ही हमारा काम है। मतलब जीव जंतु कैसे पैदा होते हैं और कैसे जीते हैं समुद्र में? बिल्कुल ठीक है। सब लोग जरा इधर भी देखिए। वाओ, ये तो बहुत कमाल का है। बहुत आश्चर्य हो रहा है। गाइस, तुम्हें यहाँ कुछ आश्चर्यजनक लग रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर म्यूटेशन हो रहा है, वाकई बहुत अद्भुत है। दैट्स ग्रेट। हर 4 या 5 स्पेसिमेन में, खासकर इस जगह में, मैनिफेस्ट म्यूटेशन होता है, उसका परिशोधन भी होता है। वो सब जानने के लिए तो यहाँ पर आए हैं। वैसे ये सब देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? इसको देखते हुए मुझे अजीब सा एक जीव जंतु लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा मुझे। यहाँ देखिए, ये एक स्पेसिमेन है। नॉर्मली जंतुओं के एक सर होता है, लेकिन इसके 3 होते हैं। वाव। बड़ी अजीब चीज है। ए फ्रेंड्स, इधर आओ जरा। बहुत अजीब है, पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? प्रयोग करने में कोई गड़बड़ हुई होगी। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसका कारण है कि उसके ऊपर जो प्रयोग किया है वो गलत हो सकता है। वो बहुत ही उल्टा सीधा कर रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, इसके दांत देखो कितने बड़े हैं। हाय स्टीव। हाय। कैसे हो? यहाँ पे कुछ पोल्यूशन लेवल ठीक नजर नहीं आ रहा, आज एलिवेशन भी ठीक नहीं है, बाकी सब मैप में ठीक ठाक नजर आ रहा है। इस बार अजीब से समुद्र जीवियों को लाए हो? हाँ बिल्कुल, लेके आए हैं। सॉरी, एक मिनट में फोन अटेंड कर लेता हूँ। ओके।
हेलो, स्टीव हियर। स्टीव, मैं नेल्सन बोल रहा हूँ। स्टीव, यहाँ एक समस्या हो गई है। हम जिस जंतु पर प्रयोग कर रहे हैं वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। आप जरा यहाँ के उसे चेक कर सकते हैं क्या? वहाँ पर हालत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, स्पेसिमेन न्यूट्रिशन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए फोन किया। ठीक है, टेक्टोनिक पेज ऑपरेशन कैसे है मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल उससे भी असर पड़ सकता है। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? रडार में कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा है। गार्बेज पैच में ऐसा कुछ देखा नहीं है। कहीं दूसरे आइलैंड से आ गया होगा क्या? क्या कहते हैं आप प्रोफेसर? आज तक इतना बड़ा सिग्नल मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत तेज आ रहा है। वो समुद्र से किनारे की तरफ आ रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर जाके देख के आती हूँ। जब तक मैं ना हूँ आप यहीं रहिए और मूवमेंट्स को ट्रैक कीजिए। ओके। आश्चर्य, इसका आकार कितना बड़ा है, मुझे देखना पड़ेगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगी, आप चलिए मेरे साथ। आप सब लोग यहीं पे रहना। लगता है वहां कोई समस्या आ गई होगी। हम भी जाके देखें क्या? चलो चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। सिर्फ उस बोट को देख रहा हूं। फ्रेंड्स, शायद आपने देखा नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा वेल घूम रहा था। मैंने कहा ना वहाँ खतरा है, बाहर आ जाइए। वो वेल है कि नहीं मैं पहले उसे देखता हूँ, उसके बाद ही आऊंगा। जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। आप भी आओ और देखो उसको, वो दिखने में कितना बड़ा है। वैसे वो क्या है? ये क्या है मेरी समझ के बाहर है। सब लोग जरा पीछे हो जाइए। ब्रैड, तुम जल्दी उस पानी से बाहर आ जाओ, मेरी बात मानो। ये तो वेल नहीं लग रहा है। हम लोगों का यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। सब लोग चलते हैं। चलो चलो। ग्रेग, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। Ryan speaking. वहाँ सिचुएशन बहुत खराब है, आप संभाल लेना। Fine, okay. जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। जा रही है यहाँ पे। ये क्या
क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा, फ्लश भी नहीं हो रहा है, क्या हुआ? ठीक है, ऐसे ही निकल जाता हूँ। स्टेज वन प्रोटोकॉल अभी ऑन किया है, तुरंत स्टेज टू एक्टिवेट कीजिए, एक आदमी की मौत हो गई है। ओह, अटेंशन फॉर सेफ्टी, हम लोग अभी स्टेज टू प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, कंप्लीटली लॉकडाउन कर दीजिए। अटेंशन कोस्ट गार्ड, हम रिसर्च स्टेशन वन से बात कर रहे हैं, आपकी सहायता की हमें जरूरत है, ओवर। कोस्ट गार्ड रिसर्च सेंटर से बात कर रहे हैं, आपकी सहायता चाहिए, ओवर। मेडे मेडे, कोस्ट गार्ड, कोई तो जवाब दीजिए, ओवर। सिग्नल कहीं पे जाम हो गया है, गार्बेज पैच के बीच में जो रेडिएशन लेवल है वो कहीं जाम हो गया है, हमें रेडिएशन से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, कुछ करना होगा। हमारे पास उतना वक्त नहीं है स्टीव। वो तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, ओके, अब क्या करें ये बताओ। दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वाटर सप्लाई कंट्रोल को लेवल 2 में बदलना होगा। मेरे ख्याल से इससे काम हो जाएगा। ओके, हम सब लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर वहाँ देखिए, बहुत तेजी में आ रहा है। ये बहुत बड़ा है, इस एरिया में शार्क घूमते थे पता था, लेकिन ये तो बहुत ही भयंकर है। हाँ, आज तक मैंने इतना बड़ा जेन शार्क जिंदगी में नहीं देखा, हम लोगों को तुरंत बाहर जाना होगा। हमारे सेक्टर में पानी भरा आया है, हम इसको बंद कर रहे हैं, सब लोग बाहर आ जाओ, कम ऑन, सब लोग बाहर आ जाओ। वो वॉकी टॉकी मुझे दे देना। ओवरलोड, सिक्योरिटी लेवल 3 एक्टिवेट कर दिया है। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें तुरंत यहाँ से बाहर जाना होगा। सब लोग होशियार हो जाइए और सब लोग मेरे पीछे चलिए। सब लोग जल्दी आ जाइए, जल्दी ऊपर जाओ, जाओ, गो गो गो। मेरी बात सुन रहे हो ना, लेवल 2 का वाटर हम बाहर भेज रहे हैं। जी, A4 में जो पानी है उसके द्वारा बाहर भेज रहे हैं, हम उसी काम में लगे हुए हैं। पानी बाहर भेजना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग सील लगाने की सोच रहे हैं। तुम वहाँ रहोगे तो मुसीबत हो जाएगी, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। हम लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं। लेवल 3, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप, रिप्लाई दीजिए और सब लोग वहाँ से बाहर आ जाइए, सुनाई दे रहा है? दूसरा रास्ता है ऐसे निकलने का? एक ही रास्ता था जो इमरजेंसी एक्सिट था, वो भी बंद हो गया। और कोई रास्ता भी नहीं है, इस पूरे द्वीप का खात्मा हो जाए, लेकिन यहाँ से कैसे बचे? उसका कोई रास्ता है तो बताओ। और कोई रास्ता ढूंढ के देखते हैं। आओ चलते हैं, चलो जल्दी, चलो चलो। हाँ चलो, इस द्वीप के खत्म होने से पहले किसी भी तरह से यहाँ से बाहर जाना होगा, हम सबको अपनी जान बचानी होगी, जल्दी चलो।
वहाँ एक बोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ तो तैरते हुए कैसे जा सकते हो? अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो वो हमें मार डालेगा। हमें तैर के जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पहले मैं जाऊँगा। नहीं, एक मिनट रुको। पहले मैं जाता। नहीं, मैं ही जाऊँगा। मुझे तैरना अच्छी तरह से आता है, मैं किसी तरह चले जाऊंगा, बोट को लेकर आ जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे। मैगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ग्रेग, इसका स्टार्ट होना मुश्किल है। जितना मुझे पता है वो अकेला बोट स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। नहीं, तुम रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैं देखता हूं, तुम जाओ। अब हम क्या करें? वो बोट स्टार्ट करके यहां ला सकेंगे क्या? अगर बोट स्टार्ट हुई तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमारा जीना बहुत मुश्किल है। मैं इसे देखते हुए यहां नहीं खड़ी रह सकती, मैं जाकर उनकी हेल्प करती हूं। यहां कोई बताओ। मैं भी आ रहा हूं। Allison, come on, जल्दी आओ। वो तुम्हारे पीछे ही है, संभाल के। जल्दी आओ। ओह माय गॉड। और जल्दी जाओ। तेजी, और तेजी से। जाओ, जल्दी जाओ। Come on. Oh no. Oh my God. No! जल्दी से इंजन स्टार्ट करो, गियर बंद करो, जल्दी जाओ। आ जाओ जल्दी ऊपर। Come on! पहुंचो, जल्दी पहुंचो। जल्दी
दीजिए, हाथ दो मुझे। संभल के ऊपर आ जाओ, संभाल के अंदर आ जाओ। मार कहाँ है? मार मर गया। जा जाओ वहां बैठो, जा जाओ जा जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ इसमें। अरे अंदर जाओ मैं कह रहा हूं ना। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? रिलैक्स रिलैक्स। ग्रेग हाँ रेडी हो गया? हाँ जल्दी आओ। ये ट्रांसमीटर लो और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो जल्दी। ओके मेडे मेडे, कोस्ट गार्ड कुछ सुनाई दे रहा आपको? कोस्ट गार्ड हम लोग मुसीबत में है, सुनाई दे रहा है? हे भगवान, ये तो काम नहीं कर रहा है। इसको हुआ क्या है? तुम्हें वो सुनाई दे रहा है? जब तक हम किनारे नहीं पहुंच जाते लगता हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद भी सिग्नल मिलेगा? मुझे नहीं लगता। ऐसी परिस्थिति में शार्क से उलझना मुश्किल है, यहीं पे रहते हैं। देखो ये ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा है और हम वहाँ पे वापस भी नहीं जा सकते। अगर हम वहाँ पे गए तो डेफिनेटली शार्क हम सबको मार डालेगा। यहाँ अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते हम लोग, समझने की कोशिश करो। ओके, ये शार्क हमारी चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए तुम लोग वहीं पर रहो। इसको मारने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। एलिसन एलिसन, बोट में हमारे काम की कोई हथियारें देख के बता सकती हो? ग्रेग मैंने सब चेक कर लिया है, हमारे इस्तेमाल करने लायक यहाँ कोई औजार नहीं है। ब्रायन मेरे पास भी कुछ नहीं है। हमें उस शार्क से किसी भी तरह बचना होगा। मैं एक आइडिया बताती हूँ। वो क्या है? मैं जो कहती हूँ ध्यान से सुनो। पहले उसका ध्यान ओझल करना होगा। मैं पहले जाऊंगी और उसका ध्यान इधर उधर करूंगी। जब मैं थोड़ी दूर आगे चली जाऊंगी तो तुम भी मेरे पीछे आ जाना। आप दोनों पहले बोट पे चढ़ जाना, उसके बाद मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। इतना रिस्क लेना क्या जरूरी हमें है? हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस समय बहस करना बेकार है। इसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे माफ करना प्रोफेसर, अब तो ये रिस्क मुझे लेना ही होगा। अगर ये बात है तो पहले मैं ही जाती हूँ। नहीं नहीं आप नहीं जाएंगी, मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर ये यहाँ क्यों आ रही है मरने के लिए? जल्दी आ जाओ। वो शार्क पीछे आ रहे हैं उसके। अभी हमें भी तुरंत जाना होगा, देर करेंगे तो फंस जाएंगे। चलो। अरे अरे ये दोनों भी क्यों आ रहे हैं? बताओ। जल्दी 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 करो। चलो हाँ। वो बहुत तेज पीछे आ रहा है, हम लोग बच पाएंगे कि नहीं पता नहीं। कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। लगता है सिग्नल आ रहा है, वो बटन दबाओ। मेडे कोस्ट गार्ड कोई हमें सुन रहा है? मेडे कोस्ट गार्ड कोई हमें सुन रहा है?
तो हमें रिप्लाई कीजिए प्लीज कोस्ट गार्ड, प्लीज प्लीज हमें रिप्लाई कीजिए। मैं मैक्स बर्न बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम लोग इस वक्त कहाँ है बताइए। हम लोग एक बहुत ही मुसीबत में फंस गए हैं, प्लीज प्लीज हम हेल्प कीजिए। हम लोग गार्बेज रिसर्च सेंटर के आसपास हैं, कोई हमें आके प्लीज हेल्प कीजिए। रिसर्च सेंटर पूरा बर्बाद हो गया है, कोई हमें हेल्प कीजिए, दया करके बचाइए। ठीक है हम लोग वहाँ आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रायन बेनेट है। देखिए हमारी बात सुनिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट वेसल PH001 से बात कर रहे हैं। यहाँ काफी लोग मारे गए हैं सर। हमारे पीछे 3 सरों वाला शाख पड़ा हुआ है, रिसर्च सेंटर भी उसी ने बर्बाद किया है। ठीक है बच्चे, हमसे ही जोक कर रहे हो? ओवर। ये जोक नहीं है, हमारी बात पे गौर कीजिए। यहाँ सच में 3 सरों वाला शार्क है। यहाँ स्टेशन पर अटैक करके काफी लोगों को मार दिया उसने। तीन सर वाला शार्क क्या? ये कोई नई कहानी बना रहे हो हमारे साथ? मैं कहानियाँ नहीं बना रहा हूँ सर, वाकई काफी लोग मारे गए सर। हमारी परिस्थिति को समझिए और किसी तरह हमें यहाँ पे आके बचाइए सर। आपने देर की तो हम लोग भी मर जाएंगे सर। देखो 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 वो शार्क नजर नहीं आ रहा। सर उधर देखो, एक बोट नजर आ रहा है, उधर क्या होगा? कुछ आवाजें आ रही है वहाँ से। वो शार्क उस बोट की तरफ जा रहा है अभी। सब लोग पी के कितना झूम रहे हैं जैसे कोई फिकर ही ना हो। हाय, ये आपको बहुत पसंद आएगा। इतना टेस्टी होगा क्या? ले लीजिए। बुरा मत मानना, मैं टिप्स नहीं लेती, वापस ले लो। मैंने उस उद्देश्य में नहीं दिया था, मैं तो बस फ्रेंडशिप में दे रही थी। रख लीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसा है तो ले लेती हूँ, थैंक यू। वेलकम। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो शार्क अब सामने की बोट की तरफ जा रहा है। उस बोट में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। आपको किसी तरह बचाना ही होगा, वो सब मुसीबत में है। ठीक है, उस बोट को देखने के लिए हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब लोग हिम्मत से काम लो, चलो फौरन वहाँ पहुँचना है। इसका कारण मैं जान गया हूँ। क्या हो सकता है? उसको खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए शिकार की तलाश में है। अब क्या होने वाला है? बहुत मुसीबत आने वाली है। उसने सोचा कि रिसर्च सेंटर को खत्म कर देगी तो आराम से जी सकेगी, इसलिए कर रही है। मैं भी वही समझ रहा हूँ। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। रोकने को कह रही हो लेकिन कैसे रोकें? उसको रोकने की शक्ति हम लोगों के पास नहीं है। हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं किया तो हमारे फ्रेंड्स की तरह वो उन्हें भी खा जाएगी। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उन लोगों को बचाना ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
हम लोग हिम्मत से कुछ ना कुछ करेंगे तब उन लोगों को बचाया जा सकता है, समझे? हमें क्या लेने देना कह के छोड़ देंगे तो वो मारे जाएंगे। हमें बचाना ही होगा। ठीक है, ऑल राइट, उस तरफ चलते हैं। एंजॉय किया क्यों? तुम्हें कैसे लग रहा है? यही कुछ दिन और रह के बहुत एंजॉय करने का मन कर रहा है, तुम क्या समझती हो? चलो मलक से जाके बैठते हैं। वो क्या है? शार्क है क्या? मुझे तो वही लग रहा है, लेकिन कहते हैं इस सीजन में शार्क यहाँ नहीं आते। ऐसा क्या? मेरी बात सुन रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ सुना आपने? हम उस बोट की तरफ जा रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो अपनी पार्टी में मस्त हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम बिल्कुल नजदीक में हैं, आप सबको जरूर बचाएंगे। थैंक्स, आपने बहुत ही अच्छी खबर दी है। निकल रही है, क्या तुम लोग देख पा रहे हो? वो क्या है? पत्थर से टकरा गया है क्या? पूरा शिप हिल रहा है। समुद्र में पत्थर कहाँ से आ गया? इंजन में कोई प्रॉब्लम? वही हुआ होगा। तुम नीचे जाके देख आओ क्या हुआ। ठीक है, मैं हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करूंगा। हाँ। मेरे, मेरे, मेरे। तुरंत रिप्लाई कीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए। गाइस, आप फिकर मत कीजिए, इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। तब तक आप लोग शांत रहिए, डरिए मत। आपके पास कोई लाइफ बोट्स है क्या? आई एम सॉरी, नहीं है। लाइफ बोट्स के बिना शिप कैसे चला रहे हो? हमें किनारे कैसे पहुंचाओगे? बिल्कुल कहता हूँ, लाइफ बोट्स हमारे पास नहीं है। क्या कहा? इतनी बड़ी शिप है और आपके पास लाइफ बोट्स नहीं है? आई एम सॉरी, जो भी मांगो नहीं है, नहीं ये कह देते हैं बस। Yeah.
छोड़ूंगी क्या? जोर से पकड़ो, अरे अरे अरे, मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ प्लीज, रुको, मेरा हाथ पकड़ लो, अब ऊपर आ जाओ, संभल के आ जाओ, ऊपर आ जाओ, घबराओ मत। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ जरा। पता नहीं क्या अजीब सा है। ओह माय गॉड। चलो चलो भागो। क्या हुआ? हम थोड़ी देर यहीं इंतजार करते हैं, कोस्ट गार्ड्स के आने तक यहीं पर रहेंगे। बहुत पीसफुल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमें बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, उस सीढ़ी द्वारा हमें ऊपर जाना होगा। आओ सब चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम सब लोग रिसर्च सेंटर से आ रहे हैं। उस शार्क ने हमारे रिसर्च सेंटर को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर दिया? हम सब लोग यहाँ पर तुम्हें अलर्ट करने के लिए आए हैं। तुम लोग बहुत देर से आए। इस तरह मेरे हैरी को बचा दीजिए प्लीज। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, मुझे एक कटिंग मशीन चाहिए। कटिंग मशीन? वो यहाँ कहाँ मिलेगी? वो स्टोर रूम में, मुझे लाना पड़ेगा। पहले उन्हें बचाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास तो लाइफ बोट्स होंगे। यहाँ लाइफ बोट्स नहीं है। क्या सच कह रहे हैं आप? हमारे पास जो बोट है उसमें कितने जन जा सकते हैं? 12 लोग जा सकते हैं, लेकिन बोट तो रिपेयर कंडीशन में है। इन सबको लेके जाना बहुत मुश्किल है। उसे किसी तरह से बचाते हैं हम। मैं भी चलता हूँ। आओ हम दोनों चलते हैं। ग्रेग तुम यहीं पर रहकर सबको बचाने की कोशिश करो। संभल के रहना। अरे वो हथौड़ा देना जरा, इससे तोड़ता हूँ मैं, तुम जरा पीछे आओ। गॉड, ये जगह तो बहुत खतरनाक है। कोई है वहां पर? ओह, हम लोगों को ऊपर जाना होगा। सब लोग शांत रहिएगा, चलो ऊपर। हे भगवान, चलो 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 पीछे, चलो चलो इधर जल्दी। केवट, मेरी बात सुनाई दे रही है? या कोई है? कोई है क्या? हेवर्ड, 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 कहाँ मेरी आवाज आ रही है? हेवर्ड, हेवर्ड, अरे बताओ कहाँ हो तुम? हेवर्ड, कहाँ हो? हेवर्ड, अरे तुम्हें ही ढूंढ रहे हम। हेवर्ड, कुछ तो बोलो। अरे जवाब दो हेवर्ड। हेवर्ड, हेलो
हो? कुछ पता चला क्या? मुझे इसके पैर नजर आ रहे हैं। वहां पर है, चलो चलते हैं। खबर तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा। दो मुझे। आजा। मुझे देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे तुम्हें। मुझे देखो, मेरे से पकड़ो। यार तुम संभल के। चल संभल के। मैं हूँ ना। आराम से, तुम ठीक हो? आराम से, कुछ आराम से, कोई जल्दी नहीं। संभल के। हिम्मत से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ये स्कार्फ पहन के जल्दी दो मुझे। जोर से बांधो, खून बहुत बह रहा है। मैं बांध तो रही हूँ, खून नहीं रुक रहा है। माय गॉड। जान जाएगी, हमें कुछ ना कुछ करना ही आप पड़ेगा। कुछ कीजिए ना, बचाइए ना, खून बिल्कुल नहीं रुक रहा है, बचाइए। अरे मेरी, कुछ तो कीजिए। वो देखो, वो लोग भी आ रहे हैं। जब तक यहाँ है हमारी जान खतरे में ही रहेगी, हमें सुरक्षित जगह जाना ही होगा। अब इस पानी से कैसे बाहर निकलेंगे? अरे सुनो मेरी बात, हमें सबको बचाना होगा यहाँ पर। हम सबको कैसे बचा सकते हैं? और दो मिनट यहाँ रुके तो हमारा मरना निश्चय है। हम सबको अपनी अपनी जान बचाने की सोचनी होगी। वो ठीक कह रही है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। कैसे उतरे यहाँ से? मुझे बहुत डर लग रहा है। ध्यान से उतरना तुम। संभल के उतरो नीचे।
संभल के। ध्यान से। हाँ। ध्यान से उतरो। गिर जाओगे। हाँ ध्यान से पैर उधर। हाँ अब हाथ दो। आ जाओ। अरे मुझे पकड़ लेना। मैं बोल रहा हूँ ना। ध्यान से जल्दी। ठीक से पकड़ो। अरे वही। थैंक्स। मैं कह रहा हूँ ना संभल के। हरी मैं भी आ रही हूँ। अरे इसको पकड़ लेना तुम। हाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम। अपने पैर वहाँ रखो। हाँ वहीं पे। अब दूसरा वहाँ रखो। वो हथौड़ा मुझे दो जरा। वो मुझे चाहिए। तुम क्या करोगे इससे? तुम जाके उनको बचाओ। अपना ख्याल रखना तुम। जल्दी आओ देर हो रही है। जल्दी आइए ना। आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? वो वहां क्या कर रहा है? वो अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ? आप एक काम कीजिए। हाँ। जाके इंजन स्टार्ट कीजिए। ठीक है। उसका खात्मा करके ही लौटूंगा। जल्दी आओ। आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ तुम संभालो इसे। हिम्मत से काम लो। मुझे माफ करना। और कितनी दूर जाना होगा? ठीक से नहीं कह सकता। 20 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। कहीं लैंड नजर आ रहा है? हाँ दिख रहा है। ये ईस्ट वेस्ट सफोना है? हाँ वही है। मुझे भी वही लगता है। तो हमें नॉर्थ वेस्ट जाना होगा। उस तरफ घुमा लो। क्या तुम अच्छी तरह से जानती हो? पैसिफोन के राइट साइड में ही एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। वहाँ गए तो हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी में है। हम वहाँ पर सेफ होंगे क्या? मेरे ख्याल में नजदीक में वही एक जगह है। और कहीं जाएंगे तो समय लगेगा। हम्म।
अच्छा बैठो इधर। इंजन में से काला धुआं आ रहा है बाहर। हाँ मैंने भी देखा है, क्या करें इंजन तो बंद नहीं कर सकते ना। रोकेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तुम चलने दो। हाँ अरे सुनो, तो शार्क पीछे नहीं हमारे। हाँ मे बी नीचे नीचे आ रहा होगा। अगर वो आ गया तो हमको खा जाएगा। लेकिन एक बात है, कभी भी आ सकता है। वो देखो हमें वहां पहुंचना होगा। वहां सेफली पहुंच सकते हैं ना। अगर इंसान सोचे तो कुछ भी कर सकता है। वो कोस्ट गार्ड बोट लग रहा है। हाँ वही है। दोस्तों हम लोग नजदीक आ गए, मशीन गन रेडी करो। ओके। जल्दी जाओ। ठीक है जल्दी ले जाता हूँ। लगता है शार्क की मौत नजदीक है, इसलिए हमारे पीछे पड़ा है। गाइस यहां से हमें वहां पर तैर कर ही जाना होगा। ये भगवान ये क्या है, कितना भयंकर है ये। तो जल्दी जाओ। जैसे ही कहूं फौरन गोलियां चलाते रहना। चलाओ। चलाओ गोली चलाओ, इसे छोड़ना मत। गोली चलाते रहना, बच के ना जाने पाए। चला गया, लगता है बच के निकल गया। अरे
से मार डालूंगा। लगता है शार को मार दिया। कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग तो ठीक है ना? हम सब लोग ठीक है। चाहे किसी भी तरह उससे हमें छुटकारा मिल गया। मैंने जिंदगी में पहली बार तीन सरों का शार्क देखा है। कौन है तुम? हमें देख के क्यों भाग रहा था? हेवन, कैसे हो तुम? मैं अब ठीक हूँ। उस शार्क से हम बच गए ना? तुम मैं अकेला है। अरे बता, 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 बता। वैसे है कौन तू? बता। कोई नहीं बचा। अरे अरे खुद तो बोल, बता सबको क्या हुआ यहाँ पर? कितना अन्याय हुआ। तुम हमें यहाँ लेकर आई हो ये सब दिखाने के लिए क्या? इतनी मुसीबत यहाँ होगी मैंने सोचा नहीं था। अपने आप को बचाने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। ये सब कब और कैसे हुआ होगा? अगर हम लोग बहुत देर पानी में रुक जाते तो उससे हम मुकाबला नहीं कर पाते थे। हमने उस पे बहुत प्रयोग किए इसलिए वो बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। इसका मतलब अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो वो किसी को कुछ भी नहीं करेगा क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, उससे छुटकारा पाना है तो हमें किसी भी तरह उसको खत्म करना होगा। हाँ। उसका खात्मा करने की सोचते हम। उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। वो क्या है? वो डेफिनेटली हम पर अटैक करने के लिए इस कोने तक आएगा, तब उस पर फायर करने से उसे मारा जा सकता है। गोली चलाने के लिए बंदूकें तो चाहिए ना? तुम कितने दिन से हो यहाँ पर? कई दिनों से यहीं पर हूँ। तीन सर वाला शार्क मरा नहीं क्या? किसी ने मारा नहीं क्या? हमारे सब लोगों को मार दिया उसने, कोई उसे नहीं मारेगा क्या? नहीं, वो अब तक नहीं मारा है। कुछ ना कुछ आप लोग कीजिए, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप बोट से यहाँ पर आए हैं या स्विम करके यहाँ पर आए हैं? हम बोट में ही आए थे, लेकिन पता नहीं इस वक्त वो बोट ठीक है कि वो बोट तो उस तरफ है। अच्छा जल्दी ये बताओ कि सारे बोट्स कहाँ हैं?
इस द्वीप के उस कोने में है। वो कहाँ पर है, हमें दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखाऊंगा, मुझे पता है वो कहाँ है, मैं तुम्हें ले जाके वहाँ दिखाता हूँ। मुझे पता है क्योंकि हम उसी बोट में तो आए थे। वो शार्क हम किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरे फ्रेंड्स को खा लेगा, हम सबको भी खा लेगा। रो मत, अब हमें उस बोट के पास लेके जाओ, तब हम सब लोग बच जाएंगे। वो उस तरफ खड़ा किया बोट को। कहाँ है बताओ हमें? किस तरफ? वो वहाँ पर है। तो बिल्कुल सच बोल रहे हो ना? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आओ फ्रेंड्स चलते हैं। आओ चलो। गाइस हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, आप चारों इस बोट में जाइए, हम पिछली वाली बोट में आते हैं। एलिसन तुम इंजन चेक करो। ओके आओ हम चलते हैं। चलो ऑलराइट गाइस, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम रेडी हो? एलिसन इंजन काम कर रहा है। हाँ इंजन काम कर रहा है। चलो निकलते हैं। मत करो हम ठीक ठाक किनारे पहुंच जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो शार्क भी नहीं है। जान में जान आई। चिल्ला क्यों रही है? सुनाई दे रहा है। शार्क तुम्हारे पीछे ही है। शार्क वो क्यों इस तरह चिल्ला रहे हैं? एलिसन मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। हमारे दोस्त से उन्हें बचाना ही होगा। वो सब हमारे दोस्त से, उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। प्लीज ग्रेग तुम किस तरफ ले जा रहे हो? ठीक है फिर अब तुम क्या कर रही हो? आज वो लोग या हम लोग कोई भी एक ही बच पाएगा। अरे वो बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ ठीक है तो फिर
हमें अपनी जान को दांव पे लगाना होगा। वो शार्क अब डेफिनेटली आसपास ही होगा, वो अपने आहार के तलाश में होगा। गार्बेज की जो रासायनिक चीजें अगर उसे पानी में फेंक देंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। वो पानी के अंदर ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें खाकर घूमता रहता है। तुम्हें किसी तरह से आगे बढ़ना होगा। पता है कितनी दूर होगा? और कितनी दूर होगा? 10-15 किलोमीटर ही दूर होगा ना? हो भी सकता है। हमें किसी तरह से निकलना ही होगा। दोस्तों देखो यहाँ कितना वेस्टेज है, इस शिप में तो पूरा वेज भरा पड़ा हुआ है। ओके कम ऑन, जल्दी स्टार्ट करो। ठीक है कम ऑन। इनको बाहर फेंक देता हूँ। फेंक दो। शार्क को खा रहा है। हाँ सुपर। ओके सुपर, आप डालते रहिए। कमॉन कमॉन, हम पहुंच रहे हैं। चलने का हाथ काट दिया। मैगी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम चलाते रहो, आपको क्या हुआ? ओह गॉड, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। सॉरी मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। सॉरी तुम लोगों को मैं परेशान कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए, अपने आप को बचाइए। हमारे पास वेपन्स भी नहीं है। अब उसको मारना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फिक्र मत कीजिए, हम किसी तरह से उसे मार देंगे। आप सब्र से काम लीजिए, हम किसी तरह से उसे मार देंगे। वो अभी हमारी चारों तरफ ही घूम रहा है ना? हाँ। अब आप क्या करने वाले हैं? वो अब यहाँ गंद वगैरह खा रहा ना जो हमने फेंका है। तो आप क्या करेंगे? दिमाग से कुछ ना कुछ करना ही होगा हमें। मैं जाता हूँ और कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। नहीं आप मत जाइए। जहर की बोतलें थी, कहाँ है वो? वो सब बोट में ही है। देखो तुम उन बोतलों को निकालो और समुद्र में फेंकते रहो। ओके समझी? मैं जाके सैंडी को बचाता हूँ, तुम जाओ समुद्र में फेंको जहर को। वो सब समुद्र में फेंक दूंगी। ग्रेग तुम बोट पर रहो, मैं उसे किसी तरह मार डालूंगा। समुद्र में फेंक के क्या बोतलें? सब समुद्र में फेंक दिया है। बहुत डेंजरस शार्क है, तुम वापस आ जाओ। तुम वापस चले जाओ। वापस आ जाओ। आत्मा करके ही लौटूंगा। जहर की बोतल से सारा पानी जहर हो रहा है, आप लोग ऊपर आ जाइए। जल्दी आ जाओ, जल्दी।
काम कर गया, जहर काम कर गया। हमने जो जहर की बोतलें फेंकी थी वो खा लिया है, अब ये मर जाएगा। ग्रेग, हम जीत गए। चलो पैर ऊपर कर लो, वरना फिर से मुसीबत आ सकती है। ऊपर आ जाओ। Thank you.